लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का नाम नहीं देने से नाराज प्रकल्पग्रस्त अब 9 अगस्त क्रांति दिवस पर नवी मुंबई में मशाल मार्च निकालने वाले हैं। आज नेरुल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरपोर्ट नामांतरण कृति समिति का अध्यक्ष मनोहर पाटिल एवं पूर्व सांसद संजीव नाइक ने बताया कि दीबा पाटिल के गांव जासई से मशाल मार्च प्रज्वलित होगी और नवी मुंबई के सिरोंने विद्यालय होते हुए हर गांव और इलाके में घूमेगी। इस अवसर पर कोर कमेटी के मेंबर दशरथ भगत एवं डॉक्टर राजेश पाटिल समेत कई नेता भी मौजूद थे। प्रकल्पग्रस्त नेताओं ने कहा कि यदि सांकेतिक आंदोलन के बाद भी सरकार और सिडको ने नामांतरण का फैसला नहीं लिया तो 16 अगस्त से एयरपोर्ट का निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का नाम दिलाने की मांग के साथ नवी मुंबई के प्रकल्पग्रस्त एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। उन्होंने 9 अगस्त क्रांति दिवस पर मशाल मार्च निकालने की तैयारी कर ली है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरपोर्ट कृति समिति के अध्यक्ष मनोहर पाटिल ने बताया कि दीबा के गाँव जासई से इस मशाल की ज्योति प्रज्वलित होगी और नवी मुंबई के सिरोंने विद्यालय तक आएगी। इसके बाद दीघा, ऐरोली, दीवा गाँव, घनसौली, कोपर खेरने होते हुए वासी और बेलापुर समेत संपूर्ण नवी मुंबई में घूमेगी। वहीं पूर्व सांसद संजीव नाइक ने कहा कि नवी मुंबई एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का नाम दिया जाए यह हमारी पुरजोर मांग है। यह मशाल लॉन्ग मार्च एक सांकेतिक आंदोलन है ताकि सरकार जागे और प्रकल्पग्रस्तों की भावनाओं की कद्र करते हुए नामांतरण का निर्णय ले। संजीव नाइक ने चेतावनी दी कि यदि फिर भी सिडको और सरकार नहीं माने तो 16 अगस्त को एयरपोर्ट निर्माण को रोकते हुए सरकार के खिलाफ नई क्रांति की शुरुआत होगी। जसं इंग्रजांना चले जाओ चा नारा दिला होता त्याच अनुषंगाने आपण स्वर्गीय दीबा पाटील साहेबांचं नाव आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिलं पाहिजे म्हणून आपण ह्या ठिकाणी नवी मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर आणि मुंबई या 5 जिल्ह्यांमध्ये एक मशाल मार्चचं आयोजन केलेलं आहे आणि ती मशाल मुख्य ज्योत ही जासईमधून निघणार आहे। त्या जासईच्या प्रांगणामध्ये ती मुख्य ज्योत प्रज्वलित होऊन ती प्रत्येक तालुक्यामध्ये, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आणि प्रत्येक तालुक्यामध्ये ती तिथून रवाना होणार आहे। नवी मुंबईसाठी आपली ही ज्योत आपल्या या शिरोणे विद्यालयामधल्या प्रांगणामध्ये येऊन इथं प्रज्वलित होईल आणि इथून मग प्रत्येक गावोगावमध्ये ती मशाल त्या ठिकाणी प्रत्येक गावामध्ये लॉन्ग मार्चसाठी रवाना होती। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आज भी हमारे दिल में ये मशाल जल रही है और जिसके माध्यम से हम इस नामकरण होने की प्रतीक्षा में है। मुझे उम्मीद है कि शांतता और सुकून के साथ कोई भी न गड़बड़ी होते हुए 9 तारीख को ये कार्यक्रम होगा और ये 16 तारीख को एक बड़ा निर्णय लिया जाने वाला है कि जो काम चालू है वहाँ एयरपोर्ट का वो सहभाग करके सहमति से उसको बंद करने का ऐलान कमेटी के माध्यम से किया गया है और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बारे में गौर करेगी और जल्द से जल्द माननीय लोकनेता दीबा पाटिल साहब का नाम देने के लिए उचित कार्रवाई करें। बताना जरूरी है कि राज्य के उद्धव ठाकरे सरकार नवी मुंबई एयरपोर्ट पर बाला साहब ठाकरे का नाम देने पर अड़ी है जबकि प्रकल्पग्रस्त इसके खिलाफ हैं। 10 जनवरी को साखली आंदोलन और 24 जून को विशाल आंदोलन के जरिए वे इसके खिलाफ अपनी ताकत दिखा चुके हैं। 15 अगस्त तक नामांतरण की आखिरी तारीख है। जाहिर है इसके बाद तीव्र आंदोलन होने वाला है। मशाल मार्च इसका संकेत देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।